हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड विद एवी। ओके, दिस इज़ द पिन बोर्ड एंड वाइट बोर्ड। और आज हम इसके साइड में जो वाइट पट्टी आप देख रहे हैं वो ब्राउन कलर की थी, मैंने वाइट पेंट कर दी है और इसके ऊपर ही हम लोग कुछ डिज़ाइन पर ऑलरेडी प्रिंसेस और थोड़े फ्लावर्स बने हुए हैं। सो हम यहाँ पर कुछ ज्योमेट्रिकल, क्योंकि ये स्टडी टेबल है और ये पार्ट भी स्टडी का है, तो हम लोग थोड़ा ज्योमेट्रिकल कुछ शेप्स यहाँ पर बनाते हैं। सो फैब्रिक कलर्स रेडी हैं, ब्रशेस भी रेडी हैं मेरे, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने ये स्टिक यूज़ की है, एक्चुअली मेरे पास टेप ख़त्म हो गया था तो मैंने ये स्टिक से यहाँ पर रख के और इसके पेंसिल के अगल बगल आप देख सकते हैं लाइन खींची थी। तो मैंने रेंडमली पैटर्न बना दिया है, ये कोई ट्रायंगल नहीं है, ना स्क्वायर बॉक्स है, ना ही रेक्टेंगल है। रेंडमली मैंने अपनी समझ से कोई भी पैटर्न ले लिया है, ये खूबसूरत ही दिखेगा। तो आप भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं स्टिक से कुछ। तो हमें ये पार्ट पेंट नहीं करना है और इसके साइड का और इधर का, इधर ये दोनों पेंट करने हैं। और अगर आप टेप लगाते तो ये पार्ट वैसे भी ढका हुआ होता और आप टेप निकालेंगे तो ये पार्ट वाइट दिखेगा, तो मैंने इसका यूज़ करके वही किया है। ओके, तो मैंने ये फाइव कलर्स चूज़ कर लिए हैं, ये ब्लू, रेड, ऑरेंज, ग्रीन एंड येलो। आप भी अपनी पसंद के कोई भी चार कलर यूज़ कर सकते हैं, मैं एक्रेलिक या फैब्रिक पेंट ही यूज़ कर रही हूँ। और इन चारों को मैं लाइन से करूँगी। मैंने पहले ब्लू कलर लिया है, ब्लू कलर, उसके बाद चार कलर का के लिए मैंने ब्लॉक्स छोड़ दिए, फिर ब्लू किया। इससे क्या होगा कि आप एक ही बार में ब्लू पहले निपटा लेंगे, और क्योंकि ब्रश बार बार धोना पड़ेगा, फिर बार बार एक कलर खोलो फिर बंद करो, उससे आपकी बचत हो जाएगी ये सब चीज़ों की। तो आप ब्लू कलर लीजिए या मतलब आपका जो पसंद का कलर है वो लेकर आप एक साथ पूरी की पूरी बोर्ड पूरी कर लेंगे, फिर ब्रश धोएंगे, फिर सेकंड कलर हम लोग यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट, सेकंड कलर। तो फिर ये ब्लॉक होगा उसका सेकंड कलर का। इस तरीके से आप पैटर्न चूज़ कर सकते हैं कि